मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपना हिंदी क्लास में एक नया टॉपिक, पिछले क्लास में जो शुरू किया था ग्रामर से ही रिलेटेड था, वचन। ठीक है, उसका मैंने डेफिनेशन समझा दिया था, वचन किसे कहते हैं उसके बारे में समझाया था। आज हम लोग वचन के भेद, ठीक है, टाइप्स हम लोग समझेंगे, कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, वो लोग उस भेद के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वचन के भेद की पहचान होना एवं दोनों में अंतर को समझना या जानना। ठीक है, आज का हमारा उद्देश्य क्या है, वचन हम लोग समझ चुके हैं, अभी वचन के भेदों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वचन के कितने भेद हैं, एक वचन और एक बहुवचन, यानी कि वचन के भेद सिर्फ दो ही है। वचन कितने प्रकार के हैं, वचन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, एक वचन बहुवचन। अब एक वचन का जो परिभाषा है वो कैसे, किस तरह से है मैं बता रही हूँ। शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, ठीक है, एक शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8 में आप लोग एक बार देख लो, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, जैसे ये एक, ठीक है, ये एक, ठीक है, इसे कहते हैं एक वचन। और बहुवचन में क्या कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, ठीक है, जहाँ पे बहुवचन शब्द हम लोग को कैसे पता चल जाएगा, जैसे ही हम देखेंगे कि कई सारे चीजें एक साथ इकट्ठा रखा हुआ है, तब हम समझ जाएंगे कि वो बहुवचन में है। और जहाँ हम लोग एक ही चीज को देखेंगे, एक ही चीज रखा हुआ है, तब हम लोग समझेंगे वो एक वचन है। तो यहाँ पे किताब में एक वचन का उदाहरण क्या क्या दिया है, तारा, ठीक है, आसमान में एक तारा है, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा आंखें घुमाएंगे तो नजदीक में ही देखेंगे कई सारे तारा का तारे, कई सारे तारे हमें दिख रहा है, तो तारा एक वचन हुआ, और तारे कितने, तारे कौन सा वचन हुआ, बहुवचन, ठीक है। इसके बाद छतरी, ठीक है, छतरी, यहाँ पे छतरिया, इस तरह से लड़की लड़कियां, ये एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन में और बहुवचन में एक अंतर होता है, ठीक है, लिखने का एक अंतर होता है, जैसे लड़की, ठीक है, जैसे मान लो ये लड़की, ठीक है, यहाँ पे अंतिम में क्या लिखा है, ये बड़ी की मात्रा, ठीक है, इस शब्द में हमारा लड़की बड़ी की मात्रा, और इसको हम लोग एक वचन में लिखेंगे, जैसे ही ये लड़की बहुवचन में हम लिखेंगे तो ये लड़कियां हो जाएगा, तब हमारा शब्द क्या होगा, लड़कियां, ठीक है, इसमें जो है मात्रा बदल जाएगा। एक वचन में हमेशा बड़ी की मात्रा अगर होता है, अंतिम में, अंत में, शब्द के अंत में अगर बड़ी की मात्रा होगा, तो बहुवचन में वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में भी इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आज के इस डेफिनेशन भेद के बारे में हमने बस इतना ही जाना, अब हम लोग इसके अंतर को समझेंगे, ठीक है, एक वचन और बहुवचन इसमें क्या अंतर है, ठीक है, मात्राओं में क्या अंतर है उसको समझेंगे। फिर एक वचन में हमारा बहुवचन में हमारा चंद्रबिंदु यहाँ पे लगता है, वो भी हम लोग समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये मैंने कुछ एक वचन बहुवचन शब्द लिख दिया, पहला शब्द है पेंसिल, बहुवचन में होगा पेंसिले, नेक्स्ट वस्तु, बहुवचन में होगा वस्तुएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, इसके बाद पत्ती पत्तियां, चारपाई चारपाइयां, ठीक है, ये कुछ शब्द मैंने लिखा, आप लोग इसे देख देख कर अच्छे से हैंडराइटिंग में आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में
बहु एक वचन और बहुवचन के बीच का जो अंतर है उसे हम समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान से रहना, अच्छे से रहना। टेक केयर, थैंक यू।